नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज तमाम बीजेपी विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यह कार्यशाला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान से हैट्रिक कैसे लगाई जाए और 25 सीटों पर कैसे विजय प्राप्त हो, इस पर चर्चा की गई। इसी पर मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि संगठन की तैयारी पूरी है, इस बार भी हम निश्चित रूप से सभी सीटों पर एक बार फिर विजय हासिल करेंगे। कोई नहीं है, लोकसभा चुनाव के जो भी चुनाव आता है संगठन को अपनी तैयारी करनी पड़ती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी संगठन की तैयारी है और निश्चित रूप से जो भी चुनाव आता है उसमें संगठन तैयारी करता है और 25 सीटें हम जरूर जीतेंगे, इसके लिए हमारी तैयारी। 22 जनवरी 2024 वो दिन है जब करोड़ों भारतवासियों की मनोकामना पूर्ण हो रही है और प्रभु श्री राम अपने महल में विराजेंगे। इसी पर भाजपा के प्रदेश मंत्री पिंकेश पुरवाल ने नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारत के लोगों के जनमानस के अनुरूप प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने महल में पधार रहे, यही तो वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका गवाह हर कोई बनना चाहता है। 22 जनवरी 2024 वो दिन है जिसका इंतजार लगभग 500 सालों से हो रहा था। प्रभु श्री राम अपने महल में आखिरकार विराज रहे हैं और पूरा देश इसको एक उत्सव की तरह मना रहा है, एक दीपावली पूरे देश में मनेगी। हमारे साथ में पिंकेशी भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, 22 जनवरी को लगभग लगभग हम कह सकते हैं 550 सालों का इंतज़ार खत्म हुआ और पूरा देश उत्सव में डूबा है, राम में रम चुका है, क्या कहना चाहिए? देखो, जनमानस की भावना का अनुरूप इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आज भगवान राम पधार रहे हैं। यूँ समझे कि पूरा देश और देश का कण कण उनके स्वागत के लिए उत्सुक है, उनको देखने के लिए उत्सुक है। जिनको 22 जनवरी को मौका मिलेगा वो तो निश्चित रूप से सौभाग्यवान है ही है और जिनको नहीं मिलेगा वो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। इसके साथ ही उनसे कांग्रेस आलाकमान के राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निमंत्रण न स्वीकारने के सवाल पर जब बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए श्री राम पहले भी कल्पना के परे थे और आज स्थिति है तो यह निश्चित है कि कांग्रेस के गले से यह बात उतर नहीं रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है जो कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी के लोगों को स्वीकार नहीं है। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ तो लोग आतुर हैं 22 जनवरी को उस पल का गवाह बनने के लिए, लेकिन ठीक है, सौभाग्यवश ये कहें या किसी भी वजह से उन्हें वहाँ जाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो बाद में जाएंगे जैसा कि आपने कहा, लेकिन जिनको आमंत्रण मिला है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से वो इस आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं और इसका उनके लिए उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। देखिए, कांग्रेस के लिए पहले भी प्रभु राम कल्पनीय ही थे, मतलब कल्पना मात्र ही थे, तो निश्चित रूप से उनका ये जो कथन है ये सही है। वो लोग इसमें आस्था रखते नहीं हैं और आस्था नहीं रखते हैं तो आप ये मान के चलिए एक मौका मिला था कांग्रेस को अपने पाप धोने का, वो भी उन्होंने गवा दिया। तो पाप धोने का एक मौका था वो उन्होंने गवा दिया, उनके लिए प्रभु राम कल्पना मात्र थे, वो भी बात सार्थक और साबित हो रही है पब्लिक के सामने। पब्लिक जान रही है, समझ रही है, ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस का जो दोगलापना है, ये दोहरा व्यवहार है, ये सामने दिख रहा है। ये तो हमारे साथ पिंकेश जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ तो जहां पूरा देश उत्सव के माहौल में डूबा है, राम में रम चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो आमंत्रण मिलने के बावजूद वहां नहीं जाना चाहते। जाहिर सी बात है, एक मौका उन्हें मिला था पिंकेश जी ने जिस प्रकार से बताया कि पाप धोने का, वो इस मौके को भी गंवा रहे और पूरा देश इसको देख रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर प्रतापगढ़ से है जहां पारसोला थाने की पुलिस ने मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि 12 जनवरी को थाने में पॉक्सो एक्ट में 5 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था जिसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी ने बहला फुसलाकर बच्चे के साथ गलत काम करने की कोशिश की। इस मामले में भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाई, कल शाम को मेरे को सूचना मिली थी करीबन 8 बजे कि इलाका थाना पारसोला में एक नाबालिग बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसके संग में किसी लड़के के द्वारा खोटा काम का प्रयास किया गया है। इस पर तुरंत
मैं मौके पर पहुंचा, हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची, रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट दर्ज की और मुलजिम को तलाश करके डिटेन किया गया। मुलजिम के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम तफ्तीश जारी है। आज परसला थाना अंतर्गत जो बोरदा गांव है वहां पर एक छोटी बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया। इस घटना पर पारसोला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ लिया। तो आज हम इस जो हम कार्रवाई देख रहे हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि इसमें नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा की जो सरकार है और इस सरकार में जो भी अपराधी अगर गलत काम करेंगे तो उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। डिडवाना के जिलाधिकारी बाल मुकुंद असबा औचक निरीक्षण के लिए बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग विभागों और वार्डों का निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में कई प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नदारद नजर आए। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दिए जाने वाले इलाज और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक सरप्राइज रेगुलर इंस्पेक्शन था, मैं भी एक बार आया हूँ पूरी व्यवस्थाएं देखने के लिए और काफ़ी अच्छा आउटडोर है यहाँ पर, डॉक्टर्स की उपलब्धता भी है। मुख्यतः हम मरीजों से भी बात की गई, उनसे उनको दवाइयाँ भी रेगुलर मिल रही हैं ये भी जानकारी ली गई। सफाई व्यवस्था बाबत निर्देशित किया गया, जो हमारे वॉशरूम्स हैं या जो चद्दर हैं या जो वार्ड की सफाई है या जहाँ जहाँ कोनों के अंदर कहीं गंदगी पड़ी है तो उसे और इम्प्रोवाइज करें ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन या हॉस्पिटल में नहीं फैले। तो जो जो आवश्यक जांचें हैं जो जो मरीज को प्रभावित करती हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसी चिकित्सालय के अंदर इसकी व्यवस्थाएँ कराएँ। खबर झुंझुनू से है, जहां मकर संक्रांति पर पतंगबाजी परवान पर है। पतंगबाजी में प्रतिबंधित मांझे का उपयोग ना हो इसके लिए जिलाधिकारी ने क्षेत्र में प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहर के फुटला बाजार के शहीदान चौक में छापा मारा और दुकानों से 109 मांझे की चरखे जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने प्रतिबंधित सामान बेचने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। साहब के आदेश अनुसार मतलब चाइनीज मांझा के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चल रहा है, जिसके तहत मतलब टीम गठित की गई। मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम गठित करने के बाद में झुंझुनू शहर से शहीदान चौक से 109 मांझे और दो व्यक्ति को बरामद 109 मांझे बरामद किए हैं और दो आदमियों को गिरफ्तार। टोंक में इन दिनों वनों के अंधाधुंध कटान और अवैध खनन चरम पर है। गांव रजवा सहित जिले भर में हो रही वन क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई और अवैध खनन, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक राम सहाय वर्मा को अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर वन विकसित किए गए थे, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, वन क्षेत्र धड़ल्ले के साथ खनन कर प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी पर जो हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है। निवाई वन रेंज क्षेत्र अंतर्गत हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने विधायक राम साई वर्मा को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत करवाया है, किस तरीके की ग्रामीणों की समस्या थी और क्या विधायकों को अवगत करवाया है। देखिए सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं। रमेश गुजर सर मेरा नाम। देखिए रमेश जी, आज क्या नटवाला मंडल में मंत्री हूँ। देखिए बात करें, आज क्या अवगत करवाया आपने मंत्री जी? मैंने अवगत कराया कि जितने भी पेड़ है ना, जैसे हमारे रजवास में बुडला बालाजी के पास में हरे पेड़ है, उनको काटा जा रहा है, जिन अधिकारियों की मिलीभगत से काटा जा रहा है, और बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ उनको करों से काटा जा रहा है, करवाड़े से काटे जा रहा है उनको, मतलब जंगलों को जैसे कोई लकड़ी है सूखी उनको जैसे हरियों को काटा जा रहा है। तो ये इनको काट रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, और एक बार आते हैं फिर महीने में आते हैं, नौकरी करने नहीं आते हैं, प्राइवेट आदमी को लगा रहे हैं, प्राइवेट आदमी जो थोड़ा दब जाते हैं, फिर भी अपने ये नौकरी करने वाले पैसे किस बात के ले रहे हैं? जब इनको वन विभाग ही नहीं संभल रहा है तो फिर ये नौकरी किस बात की कर रहे हैं? तो इनको ये मतलब ये कि वन विभाग
जेसीबी लगवा रहे हैं उनसे, वो क्या नाम से, और वहाँ खड्डे करवा रहे हैं उनसे, मतलब पैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मिलीभुगत कर चल रही है इनकी सारी वन विभाग वालों। आप बात करें, आपने मंत्री जी को माफ कीजिएगा विधायक मोदी को आपने अवगत करवाया है, और विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए आपने, आपने अवगत की किस तरीके से ये पूरा खेल चलता है और ये पूरा पेड़ कटते हैं, कहाँ तक जाते हैं, किस तरीके से इनकी रेखा नीचे से ऊपर तक जाते हैं। पिछली सरकार में जो हुआ था वही रवैया चल रहा है इनका, तो मतलब अभी उनको यही है कि भाई पिछली सरकार में हम सोते हैं, उनको पता नहीं भाई नई सरकार आ गई तो नए हिसाब से काम होगा, सब काम भ्रष्टाचार बंद होगा, सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति पे भ्रष्टाचार बंद करने का जो घोषणा पत्र था वो जारी रहेगा 5 साल तक सरकार, और इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जो भी इनके कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी सरकार, और विधायक साहब ने ये हमारे आश्वासन दे के गए हैं। देखिए, आपने अवगत करवाया विधायक महोदय से, विधायक मोदी ने क्या आश्वस्त किया है और किस तरीके से इनकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? पिछली सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं, जैसे वन विभाग वाले हैं या वो दूसरे घोटाले हैं, खनन वाले हैं, तो उनको खिलाफ जांच करवा रहे हैं, उनको बंद करवा दिया गया है, जिनका भी जो जांच हो रही है उनके खिलाफ जो भी पकड़ा जाएगा उसको जेल जाएगा, और अब आगे से ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होगा ऐसा आश्वासन दे के गए हैं। देखिए, बात करें सर क्षेत्र की कटाई की, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, हरे पेड़ों की कटाई की, तो किस तरीके से यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और किस तरीके से जो पर्यावरण है वो अमूल्य संपदा लूटती जा रही है? आज भाई क्या है सर, जब किशोर को था ना क्या वन मंत्री, उस टाइम इतना अच्छे से पेड़ लगाए थे यहाँ पर, यानी बहुत बढ़िया पेड़ लगाए, बड़ा गार्डन की तरह हो गया था, लेकिन जो ये लोग बाग कर्मचारी है इनकी वजह से लोग बाग गाँव के जाते हैं, गाँव के काट लेते, कर्मचारी कुछ नहीं कहते, वहीं बैठ रहते, बीड़ी पी लेते, चाय पी लेते, बस ऐसा काम कुछ ध्यान दे रहे। देखिए, बात करें, अभी इन्होंने जिक्र किया है बूढ़ला बालाजी सर, देखिए बूढ़ा बालाजी की बात करें तो किस तरीके से यहाँ का प्रसिद्ध स्थान था और हरियाली के लिए जाना जाता था, क्या कहेंगे उसको लेकर? यहाँ पर पूरे राजस्थान में सबसे सर्वप्रथम 11 पीपल का ब्याह हुआ था, वन मंत्री आए थे ना उस टाइम, यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगाए थे, रुद्राज के, कल्पवृक्ष के, तो बहुत बढ़िया हो गया था, हरा भरा हो गया था, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया था, बार बार से लोग घूम रहे आते दर्शन करने बालाजी के, लेकिन अब बिल्कुल उजड़ हो गया। 50 साल पुराना स्थान है, पंचायत प्रशासन की ओर से भी इसके संबंध में कोई कदम उठाया? पंचायत प्रशासन कुछ नहीं बोल रही है, पर उनकी मानते नहीं है, वो तो पंचायत उनकी मान रही नहीं है, वो अधिकारी वन विभागों का काम है, पंचायत वाले तो कह दिया, अधिकारी उनके वन विभागों का काम है, ये तो बिल्कुल अमूल्य वन संपदा लूट रही है, लोगों को इसको लेकर भारी नाराजगी है, लोगों ने विधायक को समस्याओं को लेकर अवगत करवाया है, विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्दी इसकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, रजवा स्ट्रॉन्ग। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड ग्राम पंचायत रामा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी हिमांशु चौधरी ने संकल्प की प्रतिज्ञा दिलाई है। शिविर में ग्रामीणों ने बिजली की शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर विचार विमर्श किया और संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का तुरंत निस्तारण के आदेश दिए। मकर संक्रांति का पर्व देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर के रिवाल के बाजारों में संक्रांति को लोग खूब खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में पतंगों की दुकानें सजी हुई है और लोग जमकर पतंग खरीद रहे हैं। पतंगबाजी को लेकर बच्चों और युवाओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। मकर संक्रांति को हम बहुत ही खुशी से एंजॉय करेंगे, बहुत खुशी के साथ और उल्लास के साथ मनाएंगे, सबके साथ और फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। इस बार मकर संक्रांति का लोगों में काफ़ी उत्साह है, 2024 की है मकर संक्रांति, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह है, क्योंकि इस बार शनिवार और संडे दो दिन ऐसे पड़ रहे हैं। इस बार विशेषकर राम मंदिर की वजह से मोदी की पतंग का थोड़ा विशेष क्रेज है लोगों में, 2024 को लेकर थोड़ा सा उत्साह है, और वो ये जो नया सेशन है इसकी पतंगें ज़्यादा मांग रहे हैं, जैसे मोदी के प्रिंट हों, 2024 के प्रिंट हो, कुछ फिल्मी प्रिंट हो, कुछ बच्चों के प्रिंट हो, इस टाइप की पतंगें लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। कल का यही प्लान है कि सब एक साथ खुशियाँ मनाएंगे, पतंगबाजी करेंगे, और सबको यही संदेश है कि हीरो मोनोफाइट काइट जो अभी मंजा चल रहा है उससे पतंग ना उड़ाए, उससे अपनी जान को भी खतरा है और सभी पब्लिक को भी खतरा है और अपने जो पक्षी वगैरह है उनको भी खतरा है। तो प्लीज़ आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हीरो मोनोफाइट जो मांझा चल रहा है अभी, जो चाइनीज़ मांझा है, उससे पतंग ना उड़ाए।
अवैध खनन को लेकर टोंक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में बजरी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खनन की वारदातों पर दो टीमों का गठन कर बनास नदी, बोरखंडी खुर्द और खेडियाला से जेसीबी लोडर और दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में एक जेसीबी मशीन लोडर और दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर सभी साधनों को थाने में जब्त करा दिया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश हैं जिनके जिसकी पालना में श्रीमान एसपी साहब टोंक, एडी सिलेश साहब टोंक और सीएम एमपी प्लू के निर्देशन में और उनके निकट सुपरविजन में आज हमने मुखबिर खास की सूचना पे सुबह तकरीबन 9-10 बजे के आसपास मासी नदी और बनास नदी में अवैध ट्रैक्टर और लोडर और जेसीबी चलने की सूचना मिली। इस पर हमने दो टीमें गठित की और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो रास्तों से टीमों को अलग अलग रास्तों से वहां पे भिजवाया जिसमें हमारे को अच्छी कामयाबी मिली और एक जेसीबी और एक लोडर और दो बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर हमने मौके से। खबर रावतभाटा से है जहां प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। भू माफिया अब नगरपालिका और एमजीटी चारगाह की भूमि पर कब्जा कर रही है लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। बता दें चारगाह भूमि जिस पर 7 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने स्टे लगा रखा है उसी भूमि पर तहसीलदार और सचिवों की मिलीभगत से कब्जे हो रही है। इतना ही नहीं जावरा खुर्द पंचायत में खसरा नंबर 127 चारगाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। तो भूमाफिया लगातार अवैध खनन कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। रावत भाटा की यह खबर जहां पर तस्वीरें भी आपके सामने प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। भूमाफिया लगातार अवैध कब्जे कर रही है और अवैध कब्जे को लेकर वहां के लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है जिसके मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। भूमाफिया अवैध कब्जे कर रही है और ये तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया और मिलीभगत की जो ये पूरी खबर सामने आई है वो रावत भाटा से है। प्रशासनिक अधिकारियों पर ही मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। मकान बनाना चाह रहे वो भी बोल रहे हैं कि अतिक्रमण में आ गया और ये रोक रहे हमारे को परेशान कर रहे बेवजह। हम गणेश नगर के आसपास की भूमि को भू माफिया द्वारा 6/12/2023 से 8/1/2024 तक जगह जगह कब्जे किए जा रहे, पत्थर डाले जा रहे जिसकी शिकायत एसडीओ को करने पर एसडीओ द्वारा आदेश दिए गए अतिक्रमण हटाने के। उसके बाद तहसीलदार और भट्टा और नगर पालिका कर्मी जगदीश सफेला और अरविंद मौर्य और गिरीश द्वारा मिलकर भू माफियाओं को बचाया जा रहा है और कार्रवाई करने से मना कर दिया गया और वापिस जाप्ता और सब साधन वापिस भेज दिए गए और ये कह कहा गया कि अभी हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। दूसरी की भूमिका भी है उनके द्वारा खुलेआम अतिक्रमण किए जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही है। कोई भी अतिक्रमण की कार्रवाई करेगा हम उसके साथ अंजाम बुरा करेंगे जबकि एनजीटी और हाई कोर्ट के स्टे चल रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए नहीं तो न्यायालय की शरण लेनी। खबर डीक से है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी ठग देश के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी न्यूड वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्जन के जरिए ब्लैकमेलिंग करते थे और मोटा दाम वसूलते थे। पुलिस ने उनके पास से 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए हैं जिनमें से सेक्स चैट और ऑनलाइन ठगी के काफी सबूत भी पाए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।
अलवर के राजगढ़ बांदकुई अलवर रेल मार्ग पर ढगाबड़ा रेलवे स्टेशन पर करीब रक्त ट्रेन की चपेट में 12 गौवंश आ गए। स्टेशन मास्टर ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 5 बजे गरीब रक्त ट्रेन की चपेट में 12 गौवंश आ गए, जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रक पर छोड़ दिया। बताया चले ट्रैक पर छोड़ दिया था, जिनमें 11 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गौवंश गंभीर तौर पर घायल हो गया। इसकी सूचना भौरंगी धाम गौशाला को दी गई है, जहाँ घायल गौवंश का इलाज जारी है। आज हमें सुबह 7 बजे ढगाबड़ा स्टेशन मास्टर की सूचना मिली कि सुबह गरीब जो ट्रेन आती है उससे 12 गायों की मौत हो चुकी है। एक गाय हमको मौके पे जिंदा मिली, जिसको हमने राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला भिजवाया है। वहाँ पे चिकित्सा टीम व गौशाला की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है राजगढ़ गौशाला में। ये बहुत ही दुखद घटना है कि किसी भी आदमी ने गायों को घेर के पटरी के ऊपर करा, जिससे गायों की मौत हुई है। एक साथ 12 गायों की आज संक्रांति के पावन पर्व पे 14 फरवरी मकर संक्रांति की पावन पर्व पे आज एक गाय एक साथ 12 गायों की ऑन स्पॉट मौत हुई है और एक गाय जिंदा मिली है, जिसकी पैर कट गया है हड्डी बाहर आने से। गाय को हम बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे गाय को बचा। आज ढगाबड़ा स्टेशन पर सुबह टाइम करीब 5:30 बजे के लगभग गाड़ी थी 12984 गरीब रथ, जिसपे ट्रैक के ऊपर किसी आदमी के द्वारा गायों को घेर के दिया गया, जिससे 10 और 11 गायें की लगभग कट गई हैं और उनमें से एक जिंदा मिली है, बाकी मत। उधर कोटा में 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह शहीद स्मारक घंटाघर चौराहे पर मनाया गया। इस दौरान शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले कर्नल एसके पंजाबी ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीरांगनाओं, वीर माताओं, वीर पिताओं का सम्मान, वीरता और विशिष्ट सेवा पदक धारकों का सम्मान, वयोवृद्ध वेटरनस का सम्मान, सहभागी वेटरनस का सम्मान किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी सैनिकों से कहा कि उनके प्रशासन स्तर जो कार्य है उनको शीघ्र ही पूरा करवाया जाएगा। 1953 से ये शुरू किया गया था कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको वेटरन से मतलब सीनियर सिटीजन से उनको कैसे जोड़ा रखा जाए, कैसे उनमें हौसला बनाए रखा जाए और कैसे फौज के संस्कारों को देश की बाकी जो नई पीढ़ी है उसको हस्तांतरित किया जाए और ये लोग सब कैसे मेलजोल बढ़ सके और इनकी पुरानी स्मृतियों को कैसे याद किया जाए, ताज़ा किया जाए और देश को उसको एक धरोहर के रूप में संचित करके नई पीढ़ी को उसको सौंपी जाए। इस व्यवस्था का एक हिस्सा था जिसमें 53 के बाद ये लगातार चल रही है और हड़ौती का जो हमारा सैनिक कल्याण कार्यालय है विभाग है उसने ये बहुत अच्छा प्रयास किया और हड़ौती क्षेत्र के सभी सैनिकों को और विशेष रूप से वीरांगना को सह सम्मान के साथ ये बुला के लाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। शहीद दिवस नहीं, आज वेटरन्स डे है। आपको पता है हमारे जो पहले सेनापति थे इंडियन आर्मी के जन करेप्पा, उनके रिटायरमेंट के बाद ये तब से ये 1953 में रिटायर हुए थे वो, तो तब से इसको वेटरन्स डे कहते हैं और तब से लगातार ये मनाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अवसर पर जितने हम कोटा से पड़ोसी से इतने रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुष महिलाएं जिनके पति शहीद हुए हैं, उन सबको यहाँ बुलाया है, तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के जयहिंद नगर में 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल द्वारकालाल ने बताया कि बालिका पड़ोसी के घर में मोबाइल चला रही थी, पिता के मना करने पर उसने पंखे से लटककर सुसाइड कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये कृपान सिंह मीणा है, बनवारी लाल जी मीणा की बच्ची है, 16 साल उम्र है इसकी, सेंट्रल अकेडमी स्कूल में पढ़ती थी। और इसका क्या है, वह घर पे नानी के यहाँ रहती, नानी के यहाँ रह करके पढ़ाई करती थी, फादर वगैरह भी यहीं रहते थे नानी के, मदर फादर। तो ये कल शाम को 6 बजे के समथिंग फादर ने इसको मोबाइल चलाने के लिए मना किया होगा, बेटा एग्ज़ाम आगे मोबाइल पर कम ध्यान दो,
इस बात से नाराज होकर के वो अंदर चली गई कमरे कुंदी लगा करके अंदर, तो हर बार नाराज हो जाती थी, ऐसे ही उठ जाती थी बैठ जाती थी नाराज होकर रूम में। पापा तो क्या तो प्राइवेट नौकरी करता है तो चला गया। उसके बाद नानी ने कई देर तक उसके हार्ट नहीं आए तो पड़ोसी बुला करके यार नाराज होकर अंदर गई है तो क्या मामला, देखो बताओ खाना वाना खाने के लिए। न्यूज रूम लाइव की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।